माधुरी दीक्षित एक भारतीय अभिनेत्री हैं, जिनकी गिनती सर्वकालिक महान भारतीय अभिनेत्रियों में की जाती है। वह एक निर्माता और टीवी हस्ती भी हैं। अक्सर बॉलीवुड की रानी के रूप में प्रतिष्ठित माधुरी दीक्षित ने 70 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया है और 6 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है। वह एक पेशेवर रूप से प्रशिक्षित डांसर है। एक युवा लड़की के रूप में वह एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहती थी और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने सथाई कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि कुछ ही महीनों में उन्होंने अपना मन बदल लिया और फिल्मों में अभिनय करना छोड़ दिया। सुंदर, प्रतिभाशाली और सुंदर होने के बावजूद उन्हें शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा क्योंकि उनकी कई फिल्में दर्शकों को प्रभावित करने में असफल रही। 1988 में तेजाब की रिलीज के साथ उनकी किस्मत बदल गई और जल्द ही उन्होंने खुद को बॉलीवुड में एक भरोसेमंद स्टार के रूप में स्थापित कर लिया। अपने करियर के चरम पर उन्होंने शादी करने और परिवार बढ़ाने के लिए फिल्म उद्योग छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने वापसी की और बकेट लिस्ट और टोटल धमाल जैसी फिल्मों में नजर आई। माधुरी दीक्षित की कुछ शीर्ष फिल्में दिल, बेटा, हम आपके हैं, कौन और देवदास है। वह परोपकारी गतिविधियों में भी लगी हुई है और उन्होंने यूनिसेफ के साथ भी काम किया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के 4th सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई, तब बॉम्बे, महाराष्ट्र में शंकर और स्नेहलता दीक्षित के घर हुआ था। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी उसकी 2 बहनें और 1 भाई है। उन्होंने 3 साल की छोटी लड़की के रूप में नृत्य में रुचि प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था। उनके माता पिता ने उनकी रुचि को पहचाना और उनके लिए नृत्य सिखाने की व्यवस्था की। उन्होंने 8 साल तक कथक का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से पढ़ाई की। एक छात्रा के रूप में वह नाट्य शास्त्र में भी सक्रिय थी। वह एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने की ख्वाहिश रखती थी और उन्होंने सथाई कॉलेज में दाखिला लिया जहां उनका एक विषय माइक्रोबायोलॉजी था। हालांकि 6 महीने के भीतर उसने अपना मन बदल लिया और महसूस किया कि अभिनय ही उसका असली पेशा है। इस प्रकार उन्होंने अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए कोर्स छोड़ दिया। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नए वीडियो और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।